कांग्रेस ने लगाया सेना के मत पत्रों के दुरुपयोग का आरोप। गणेश गोदिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र, पोस्टल बैलेट रद्द करने की करी मांग। बीजेपी ने बताया प्लान एबीसी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया पलटवार का, बहुमत के साथ आएगी कांग्रेस। मतगणना को लेकर कांग्रेस ने की बैठक, बैठक में कई दिग्गज नेता हुए शामिल, कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। बीजेपी की बैठक में बोले प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, कहा आखिरी ईवीएम ना खुल जाए तब तक निगरानी रखे कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ETPBS वाले मतदाताओं को जारी मत पत्रों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ऐसे मतों को निरस्त करवाए जाने की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कई जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से मतदाताओं के पोस्टल बैलेट की सूची में ऐसे नाम मौजूद हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या लंबे अवकाश पर हैं या दिवंगत हो चुके हैं। दस मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं जो उत्तराखंड का भविष्य तय करेंगे। वहीं मतगणना को लेकर बीजेपी ने बैठक आयोजित की थी, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि उत्तराखंड में बीजेपी अपने प्लान के तहत काम करेगी, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि बीजेपी कभी प्लान ए तो कभी प्लान बी और कभी सी बना रही है, पर कांग्रेस का केवल एक ही प्लान है, वो है सरकार गठन का। जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड में मतगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने कवायद तेज कर दी है। दोनों ही पार्टियों ने 10 मार्च के लिए अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। पार्टी के तमाम धुरंधर नेता एक साथ एक छत के नीचे बैठकर रणनीति का ताना बाना भी बुन रहे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तमाम दिग्गज 10 मार्च की जंग के लिए रणनीति को धार दे रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी कवायद तेज कर दी है। दोनों ही पार्टियों ने 10 मार्च के लिए अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। पार्टी के तमाम धुरंधर नेता एक साथ एक छत के नीचे बैठकर रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तमाम दिग्गज 10 मार्च की जंग के लिए रणनीति को धार दे रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि एक चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर देगी। तभी तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपने घर की दीवारों को मजबूत करने में जुटी है। परसों 10 तारीख को होने वाली मतगणना के पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पर आना और आपस में हम लोगों का सब चर्चा करना, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये खास करके जो पोस्टल वोटर हैं, पोस्टल वोट आए हैं, उनसे संबंधित सभी चीज़ें सभी को समझनी है, उससे संबंधित है। और उसके बाद जैसे कि आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य यहाँ पर हमारे विपक्ष में पार्टी है, उनका 8-10 दिन पहले से ही ऐसे लोगों को उत्तराखंड भेजना जो पूर्व में भी सरकारों को अस्थिर करने का काम करते आ रहे हैं, उसके मद्देनज़र अपने लोगों को सचेत रखना, अपने लोगों की सुरक्षा करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। ये कैसे हो, क्या हो, इस पर हम लोग अभी कुछ हम लोग थोड़ी देर पहले बैठे और अब कुछ और हम लोग एक सेशन और बैठेंगे और इसके बाद हम सभी लोगों को सभी जिलों में काम सौंपेंगे कि किनको किनको किस किस जिले में जाना है और क्या क्या उनकी ड्यूटी। बीजेपी मौके की ताक में बैठी है, इस बात का इल्म कांग्रेस को भी है और बीजेपी को भी। ऐसे में 10 की रणनीति को लेकर अब कांग्रेस के तमाम दिग्गज ताना बाना बुन रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल,
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ साथ तमाम दिग्गजों ने राय शुमारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद से ही कांग्रेस पोस्टल बैलेट को लेकर तमाम सवाल उठाती रही है। ऐसे में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है कि चुनाव के दौरान वो पोस्टल बैलेट पर अपनी निगाहें बनाए रखें। हालांकि इस बीच जितने भी स्ट्रांग रूम हैं, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता 24 घंटे ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पहले ही 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दे चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ धुरंधर प्लान बी पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लक्ष्य कार्यकर्ताओं के सामने रखा था, उस लक्ष्य पे सभी ने मेहनत की है, काम किया है, जनता का आशीर्वाद मिला है। वो आशीर्वाद ईवीएम में बंद है। अब 10 तारीख को जो भी निर्णय होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि हम अच्छे कंफर्ट जोन में ठीक प्रकार से सरकार बनाएंगे। साफ है रणनीति तैयार हो रही है, मगर किसकी रणनीति में कितना दम, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। क्योंकि रणनीति धरातल पर उतारना और रणनीति पर काम करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब देखते हैं कि 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं, मगर इतना जरूर है कि 10 मार्च के नतीजों से पहले सबकी धड़कने बढ़ गई हैं। अपने सहयोगी सुभाष गौड़ के साथ वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब मतगणना के लिए भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि मतदान में पोलिंग एजेंट की जागरूकता आवश्यक है, मतगणना में समय से पहले पहुंचना है और जब तक आखिरी ईवीएम ना खुल जाए आंख नाक सब खुले रखने हैं। सुभाष रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि मतगणना के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना है। हम इस चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि जीत की खुशी में ईवीएम का ध्यान भूल जाए। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दायर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद सरकार को 24 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी की एकल पीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली ने 2 जनवरी 2022 को हरिद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें भड़काऊ भाषण दिए गए और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जितेंद्र नारायण त्यागी, यति नरसिंहानंद और अन्य ने बाद में इसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया था। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस महिला दिवस को दुनिया भर में संघर्षशील महिलाओं ने, मेहनतकश महिलाओं ने अपने लिए लड़कर हासिल किया और इस संघर्ष का 100 साल से भी अधिक का इतिहास है। अमूमन हमारे यहाँ करवा चौथ भी है और महिला दिवस भी है, पर यह महिला दिवस मजदूर मेहनतकश महिलाओं की तरफ से अपने लिए बड़े संघर्षों के बाद हासिल किया गया दिवस है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ की महिलाओं की। पहाड़ों की महिलाओं के जीवन में आज के दिन भी मेहनत करने के अलावा कोई महिला दिवस मनाने की फुर्सत ही नहीं है, और वो तो ठीक से जानती भी नहीं कि दुनिया आखिर आज किस लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं नए देती हूं। लेकिन जहां आज दुनिया आज 100 साल से भी अधिक समय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज 8 मार्च के दिन महिला दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि पहाड़ की महिलाएं हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या बिल्कुल पहाड़ के कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरता है। जहाँ महिला मेहनत करके हक अधिकार का 100 साल से भी ऊपर समय बीत गया है, लेकिन आज भी हम पहाड़ी महिलाओं के सिर कंधों एवं कमर से बोझ हल्का नहीं हुआ। मैं आज
आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। और हम पहाड़ लेकिन हम पहाड़ की महिलाएं आज के दिन भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी अपनी मेहनत और मजदूरी पर लगे हुए हैं और इस ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस बार आलू नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत बरसात होती है, बर्फ गिरती है और नवंबर से बर्फ़ गिरने लगती है, उसके बाद सीधे मार्च तक बर्फ़ गिरती है, उसके बाद हमारे यहाँ आलू की गुड़ाई होती है और उसके पहले ये अप्रैल में गुड़ाई करते हैं, उसके बाद आलू की गुड़ाई होती है। आजकल तो कुछ है ही नहीं, खेत में आ रखे हैं घास काटने के लिए आ रखे हैं हम। थराली से मेरे सहयोगी सुरेंद्र धनेत्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, जरा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में क्या कुछ मालूम है, क्योंकि जिस तरह की बातें हमने अभी सुनी हैं, जो बातें हमने सुनी उसमें ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि महिला क्या जानती है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, जो पहाड़ी महिलाएं हैं। सुरेंद्र, सुरेंद्र मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो सुरेंद्र, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि थराली में महिलाएं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही हैं, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है उससे ये समझ में आता है कि महिलाएं उतनी जागरूक नहीं है इस दिन को लेकर, आज भी वो मेहनत कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं। जी काजोल, यही कहा कि पहाड़ी जो महिलाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी है, और अगर जानकारी है भी तो जो उनकी दिनचर्या है अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका जो जीवन है वो सुबह से और रात के 12-1 बजे तक बिल्कुल कोल्हू की पहल की तरह जुटे रहना है, क्योंकि उनको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे जो पहाड़ में है पूरी घर का जो काम है वो घर की देखभाल है, जो बच्चों की परवरिश है, जो उनके पालतू मवेशी है पशु है उनकी जो देखभाल है, तमाम तरह की जो जिम्मेदारी है पहाड़ की महिलाओं के कंधों पर पड़ती है। सुरेंद्र, तो आप महिलाओं के बीच पहुंचे, क्या आपने बात करने की कोशिश की उनसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप कैसे इसे मनाती हैं, कैसे समझती हैं, आपने समझाने की कोशिश की कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 100 साल पुराना इतिहास रहा है महिला दिवस का। जी काजोल, बिल्कुल हमने महिलाओं से बातचीत की, महिलाओं के बीच हम गए और महिलाओं को हमने समझाया 100 साल पहले महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए न्यूयॉर्क में जो लड़ाई लड़ी थी, जो संघर्ष किए थे वो क्यों था। हालांकि महिलाओं ने उन चीजों को समझा, कई महिलाएं उस चीज को समझती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं वो समझती हैं, लेकिन वो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो पहाड़ों में जिम्मेदारियों के कारण वो समझने के बावजूद भी वो दिवस वो खुशियां नहीं मना पाती हैं जो उनको आज के दिन में वास्तव में मनाना चाहिए था। लेकिन जो आज जो महिलाएं नहीं मना पा रही हैं उसका कारण है कि जो पहाड़ों में तो तमाम तरह की तो महिलाओं के सामने समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो पुरुष है वो रोजगार के लिए अक्सर शहरों में पलायन कर जाते हैं और वहाँ पे रोजगार के लिए वो काम करते हैं, तो घर की और गाँव की जिम्मेदारी की सारे सारी महिलाओं के कंधों पर रहती है। तो महिलाएं चाहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो चाहे अन्य दिवस हो, तो ये जो एक परंपराएं चल गई हैं कि तमाम तरह के जो दिवस आते हैं दिवस के दिन ही लोगों को वो दिन याद आती है, उसके बाद साल भर जो है चाहे वो महिला दिवस हो चाहे कोई भी दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, कोई भी दिवस हो, तो साल भर लोगों को भूलने की आदत है और एक दिन महिला दिवस को याद करने से महिलाओं की दशा और दिशा सुधरने से रही। जी ठीक है सुरेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहाड़ों की महिलाएं किस तरह से महिला दिवस पर जागरूक हैं, कितनी नहीं है ये समझाने के लिए तो तस्वीरें आपने देखी थराली की, ये महिलाएं हैं जो आज भी मेहनत मजदूरी कर रही हैं, कड़ा परिश्रम कर रही हैं, और जब इनसे पूछेंगे आप कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आप क्या जानती हैं, तो उन्हें बस इतना बताया कि हमें तो मेहनत मजदूरी करनी है और अपना घर चलाना है। वहीं सितारगंज में सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी कि 2022 तक हर गरीब और योग्य व्यक्ति के रहने के लिए पक्का आशियाना हो। वहीं गरीब भी यही उम्मीद लिए बैठा था कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी, लेकिन आज भी गरीब और पात्र व्यक्ति तो योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सभासद रवि रस्तोगी के नेतृत्व में लाभार्थियों ने शहरी विकास सचिव को तुषार सैनी के जरिए ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा है कि 10 महीने बीत चुके हैं, लगातार लाभार्थी नगर पालिका के चक्कर काटते हैं,
लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। शहरी विकास उत्तराखंड को सचिव महोदय को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको ज्ञापन भेजा है और उस ज्ञापन में हमारा कहने का मतलब ये था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी द्वारा जो चलाई जा रही है, उनका कहना है कि सभी को आवास मिले, सभी लोग पक्की छत के नीचे रहें, लेकिन कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण और जो ढीलमूल रवैया जो अधिकारी अपनाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनके कारण जो गरीब लोग हैं उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। और उनको आवास मिलने का ना कारण यह है कि बेचारे लगातार विभागों के चक्कर काट रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। उनसे ये कह दिया जा रहा है कि भाई तुम्हारे बैंक के अकाउंट ख़राब हैं, या फिर देहरादून से काम नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ से काम नहीं हो रहा है। हमें इससे हम इस किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक जैसे ये किशन लाल हैं, ये बेचारे टुक टुक चलाते हैं, टुक टुक चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और इनसे अब जो झोपड़ी में रह रहे थे वो तो इनसे झोपड़ी भी हटवा दी गई, अब झोपड़ी के बेचारे खुले आसमान के नीचे आ गए, किराए पर रह रहे हैं। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers, the dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसी एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as assistant commissioner for cane and sugar department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना आईएएस पीसीएस का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव आईएएस इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। सूबे के अंतिम छोर पर बसे सीमांत क्षेत्र जोशीमठ की पांडु नगरी पांडुकेश्वर में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम रही। शानदार समारोह में पांडुकेश्वर महिला मंगल दल की तरफ से शिक्षा सहित कई
विधाओं में पांडु नगरी का नाम रोशन करने वाले मातृशक्ति जयश्री डारी, रेणु सनवाल, नाक्षी भंडारी, रमा भंडारी का सम्मान किया गया। महिला दिवस के मौके पर अलकनंदा घाटी पांडुकेश्वर की ग्राम प्रधान बबीता पवार, महिला मंगल दल अध्यक्ष मनोरमा मेहता के निर्देशन में क्षेत्र के सभी न्याय पंचायत से जुड़ी महिला मंगल दलों ने पारंपरिक वेशभूषा में सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गदरपुर प्रेस क्लब की तरफ से कई क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें थाना गदरपुर से महिला उप निरीक्षक कुसुम रावत, भारतीय स्टेट बैंक से सुप्रिया वर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर से डॉक्टर मोनिका चौधरी, एएनएम किरण विनायक और तहसील गदरपुर से राजस्व निरीक्षक मंजू बिष्ट को प्रेस क्लब की तरफ से सम्मानित किया गया। सेटकुल हरिद्वार में डॉक्टर अनिता भारती ने हरी चौक स्थित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि रूटीन चेकिंग के तहत इस अभियान को गति दी गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालकों की तरफ से प्रतिबंधित दवाओं की खुलेआम बिक्री किए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते मौके पर जाकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। लगातार यहाँ से शिकायतें आती रही हैं कि जो है कुछ क्लिनिक द्वारा और मेडिकल स्टोर्स द्वारा नारकोटिक जो दवाएं हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, और मैं उसी के यहाँ पर समय समय पर यहाँ पर इंस्पेक्शन करती रहती हूँ। आज भी कुछ क्लिनिक्स के रिगार्डिंग कुछ मेडिसिंस जो है उनके द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है, ऐसा शिकायत मुझे मिली हुई थी। तो जहाँ तक क्लिनिक की बात मैं करूँगी तो क्लिनिक का जो संचालन किया जाना है उसकी परमिशन मेरे द्वारा नहीं दी जा सकती, वो क्लिनिक इलेक्ट में ही उन्हें परमिशन ली जानी होती है। बट हाँ, दवाइयाँ अगर कहीं पर बिक रही हैं, चाहे किसी भी संस्था में या कहीं पर भी अगर दवाइयाँ बिक रही हैं, तो वो मेरा जुरिस्डिक्शन है कि मैं वहाँ पर जाके दवाइयाँ चेक करूँ और किस टाइप की वो दवाइयाँ दे रहे हैं और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो मैं देखना मेरे लिए अनिवार्य है। मैडम, मेडिकल आपके द्वारा चेक किए जाते हैं? क्लिनिक संचालन हेतु मेरे द्वारा परमिशन नहीं दी जा सकती, वो क्लिनिकल एक्ट में आता है। और अगर मेडिकल की बात अगर करते हैं तो मेडिकल लाइसेंस हमारे विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। इसमें मतगणना की तैयारियों को लेकर डीएम मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने एनआईसी कक्ष में पत्रकार वार्ता की और मतगणना की तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। बता दें कि मतगणना को लेकर तमाम राजनीतिक दल भी तैयारी में जुट गए हैं और बैठकें कर रहे हैं। नैनीताल में श्रीराम सेवक सभा संस्था के तत्वाधान में 26वें फागोत्सव की धूम महिलाओं के होली जुलूस के साथ शुरू हो गई। नैनीताल में तमाम महिला संगठनों ने अपनी अपनी टीमों के साथ होली जुलूस निकाला, साथ ही सड़कों पर होली गायन कर नृत्य का भी आयोजन किया। इस दौरान तलिताल व्यापारी मंडल अध्यक्ष मारुति नंद शाह ने होली जुलूस में सभी महिलाओं का स्वागत भी किया। चमोली के 9 ब्लॉकों में हर छोटे स्तर पर महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं दशौली ब्लॉक के कुठड़ गांव में भी महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और पर्यावरण को बचाने को लेकर वहां की महिलाओं ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केदारनाथ वन प्रभाग के रेंजर आरती मेठानी ने कहा कि महिलाएं घर से बाहर निकलने जरूरी है, लेकिन आज भी उनका शोषण होता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।